जिस पर हमने ये पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, जिसमें ये हमें दो तीन बातें इंडिकेट करता है। सबसे पहले जो यहाँ पर हमने दो बच्चों को बनाया है, इसमें एक बच्चा है जो हार्ड वर्क कर रहा है, या हार्ड वर्क करके जो हार्ड वर्क कर रहा है वो ज्ञान को अपने स्टूडेंट लाइफ में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय खो रहा है, वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जिससे आगे आने वाली जो सारी इसकी कठिनाइयाँ हैं उसको फेस नहीं कर पाएगा, फिर वो अपने जीवन से जूझेगा। और यहाँ पर जो बच्चा है वो जो स्टडी कर रहा है, उसके आगे आने वाली सभी समस्याएं वो आसानी से उसको फेस कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। और यदि हार्ड वर्क करते हैं तो फिर हम समाज में कहीं भी सुव्यवस्थित रूप से नहीं रह सकते हैं। और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि अपने आने वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का महत्व नहीं पता है। इसमें आप हार्ड वर्क यहाँ ये भी कह सकते हैं, चाइल्ड लेबर का काम आप उसमें इसे उठा सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा, पढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट इनका लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में चाइल्ड लेबर हैं, इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। और ये जो मतलब जो ज्ञान वर्धक बातें भी अपने जीवन में सीख रहे हैं, ये अपने जनरेशन को भी इसी प्रकार शिक्षित बना सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा अपने टॉपिक में कहा करते हैं कि एक दिन वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक न पाएगा। यदि इंसान शिक्षित नहीं है तो कहीं भी समाज में रह जाए तो वह अच्छे से अपने आप को नहीं ढा सकता है, ना अच्छे से अपने ज्ञान को प्रसारित कर सकता है। जैसे यहाँ पर इसके पास एजुकेशन है या भी शिक्षा पढ़ रहा है, जब भी बड़ा होगा तो अपने अधिक क्षेत्रों में शिक्षा को ज्ञान को प्रसारित कर सकता है, लेकिन यहाँ उतने क्षेत्रों में प्रसारित नहीं कर पाएगा। पढ़ा लिखा इंसान अपने घर वालों को अपने